बताइए क्या नाम है आपका? मेरा कमला वर्मा नाम है। कमला वर्मा नाम है? हाँ जी, हम महपालपुर से आए हैं। महपालपुर से? हाँ जी। आप यहाँ क्यों आई हो? हम आए अपने हक के लिए। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जो हक मार रहे हैं ये हैं, वो इसके लिए हम आए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको, किसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है? हमारे बच्चों ने बताया कि भाई हमारा जो है, जो हमारा जो अधिकार है भाई, ये जातिवाद का, हाँ वो उसके लिए आए हम। जो बच्चों ने बताया कि जो जाति से नाम लेके बुलाते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सारा खत्म कर दिया। हाँ, खत्म कर दिया वो सारा, इसलिए हम आए। तो माता जी, आप कैसे जानती है कि बाबा साहब कौन थे? हम जानते हैं, हमारी उम्र हो गई है, देखो हम बाबा साहब को जानते हैं। हम बाबा साहब हमारे बाबा हो? हाँ। बाबा साहब कैसे जानती हो? देखा है हमने बाबा साहब को। कब देखा बाबा साहब? बहुत पहले देखा। बाबा साहब की फिल्म आई थी एक, इन्होंने नहीं चलने दी। सीरियल बना था, वो नहीं चलने दिया इन्होंने। टीवी पे नहीं चलने दिया। हमें इतना एक्सपीरियंस है, हमने सब कुछ देखा। कुएं पे हम पे नहीं कहते थे नीचे से पानी लो, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा बेटा? जी, जी। होगा ना, तो इसलिए हम आए अपने बच्चों। आप जब गांव देहात में रहती थी तो आपको कुएं से पानी नहीं लेने देते? नहीं लेने देते। हमारा जो कुआ है जो खराब हो गया, कुछ हो गया, तो हम दूसरे कुएं के नीचे खड़ा करते थे हमको। अच्छा। कि ये नीचे मिलेगा तुम्हें पानी, ऐसा डालते थे। तो आज आपको लगा कि जो इन्होंने ये नियम चेंज करा है, जो पहले स्थिति थी कि कुएं से पानी नहीं लेने देते, दिन में नहीं निकलने देते, वही स्थिति आ रही है? वही स्थिति आ रही है अब, और उससे ज्यादा होगी अब, उससे ज्यादा होगी अब। तो आपकी मांग क्या है सुप्रीम कोर्ट से? क्या मांग हमारी है कि हमारी, हम इसको नहीं मानेंगे हम, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना अभी कानून में, हाँ उसको नहीं, हम नहीं मानेंगे बिल्कुल। चाहे हम यहाँ मर जाएं जी, हमारी हम मर जाएं, मैं मर जा भी नहीं, यहाँ मैं उसको बहुत समझूंगी, मेरे बच्चों का अपना बहुत ज्यादा वो समझूंगी। माता जी क्या नाम है? केला देवी। केला देवी जी, आप कहाँ? केला देवी। केला देवी। केला देवी। हाँ जी। महिपालपुर से। महिपालपुर से। हाँ जी। तो आप यहाँ क्यों आई हो? इसलिए आए अपने बच्चे के लिए, अपना हक मांगने के लिए। ये खत्म कर दिया जो है, ये अब हमारी कोई सुनेगा नहीं, कोई रिपोर्ट लेगा नहीं, तो हमारे बच्चे को तो कोई मारेगा, हमारी लड़की इनको भी कोई उठावेगा छेड़ेगा, इसका मतलब ये बताओ हमारी कौन सुनेगा? क्या माता जी आपने देखा है कि पहले जो ये मनुवादी लोग हैं किस तरीके से अत्याचार करते थे? देखो अत्याचार हमारे से मतलब पहले हुए हैं, हमारे सास ससुर के आ गए, हमारे सामने तो इतने नहीं हुए, पर ये है कि हमारे आ गए। अभी हमारे जी ने बताया कि कुएं से पानी नहीं बनता। हमारे बाबा ने संविधान जो बनाया कानून, उसमें हमारा हक का, हमारे बच्चे ये कादी और आदमी नौकरी कर ले, अब वो सब कुछ खत्म कर रखो। आइए और जानकारी लेते हैं कि महिला जो यहाँ बुजुर्ग महिला है बड़े पैमाने पे, क्या नाम है माता जी? मूर्ति। मूर्ति जी कहाँ से आई हो? महपालपुर से। महपालपुर से यहाँ क्यों आई हो? यहाँ अपने बाबा साहब से, बाबा साहब ने बुलाया। ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ कि माता जी की सांस चल रही है और काफ़ी उम्र की हैं, और ये कह रही है कि जो आज संशोधन हुआ है, कानून के संशोधन हुआ है, उसे हम नहीं मानेंगे। माता जी जब आप गांव देहात में रहती थी तो आपके ऊपर कोई इस तरीके से अत्याचार करते थे लोग? हाँ, हमारा बाबा साहब है, जो भी कुछ है बाबा साहब हमको दूर रखा है, पानी नहीं भरन दे रहे हमको, सब कुछ अलग रखा है। लेकिन माता जी आप बाबा साहब की बात कर रही हैं। हाँ, बाबा साहब के अंदर आप देवी पूजवाती हैं, करवा चौथ का व्रत रखवाती हैं, क्यों रखवाती हैं? नहीं, हम नहीं रखवाते, करवा चौथ का व्रत नहीं रखने, हम देवी नहीं पूजते, हम बाबा साहब को पूजते हैं। बिल्कुल नहीं रखते, बाबा साहब को पूजते हम, नहीं, हम बाबा साहब है हमारे देवता, जो तुम जिस छाती से लगाए थे बाबा साहब को पूजती हो? पूजती हम बाबा साहब से। देवी ने आपको बाबा जिसने हमारा हमारा भला करा, हमारे बच्चे लिखे पढ़े थोड़ा आगे जाएं, तो हम किसको मानेंगे आप ये बताओ।